भाई जी आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्म फ्रेंड में। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है, गांव दोताई है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है जी। तो फुरकान भाई आज आप हमें क्या बताना चाहेंगे मुर्गी पालन के बारे में? तो मुर्गी पालन क्या अच्छा बिजनेस है, पहले हम कंपनी से करते थे, अब हमने जो है अपना डाल कर देखा है। अच्छा, तो अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास में चारों तरफ बहुत सारे बच्चे हैं, तो लगभग कितने बच्चे हैं ये? ये 4000 बच्चे हैं। अच्छा, तो अभी ठंड का मौसम है, 4000 बच्चे हैं, तो आज आप हमें ये बताएंगे इस वीडियो में कि हम इनकी केयर कैसे करें। मतलब अगर कोई मुर्गी पालन करना चाहता है और वो बच्चा ले आता है एक दिन का, तो वो कैसे केयर करेगा, आप कैसे कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, दिखाइए आप जरा। असल में अगर फार्मर कोई नया है जी, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इस महीने में ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस महीने में हमारी भी हालत ख़राब हो जाती है जी। एक तो इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, अच्छा ऊपर से ये जो है 24 घंटे बंद रहना, इसका गैस न बन देना, सारे काम करने इसमें जी, तो इसका जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अच्छा, कि मतलब डबल तिरपाल हो गए चारों तरफ से, ठीक है जी, ऊपर पिन्नी हो गई और फिर ये बुखारी है, गैस ब्रूडर लगे हुए हैं, जैसे ये बुखारी लगी हुई है, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है इसके बारे में? इनका जो है ये एक बुखारी जो है 24 घंटे में करीब 50 किलो बरूदा कम से कम खाती है। अच्छा, तो ये खर्चा बढ़ जाता है इसमें जी। अच्छा, ऐसे ये हमारे पास जो है 4 बुखारी लगी हुई हैं, हाँ जी, गैस ब्रूडर लगा हुआ है जी, 50 घंटे में एक सिलेंडर खत्म हो जाता है ये, ठीक है। तो जाड़े में जो है इसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो इसका अच्छा, नीचे छिलका डालना पड़ता है ये जी, देखो कितना मोटा डाल रखा है, देखो ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो है जी ये कम से कम 2 इंच चढ़ाना पड़ जाता है ये। अच्छा अच्छा, गर्मी होती है तो थोड़ा बहुत डाल दिया अपना काम चल गया, तो जाड़े में जो है खर्चा बढ़ जाता है इसका ज्यादा जी। तो ये कैसे काम करती है? बस इसके अंदर जो है बॉयलर होता है, इसके अंदर हम बरूदा भरते हैं और बरूदा भरने के बाद इसके अंदर है ये। अच्छा, अभी गर्म है थोड़ी जी, तो इसके अंदर जो है बरूदा भर देते हैं और इसे भरने के बाद इसमें नीचे से आग लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा धुआं जो है बाहर चला जाता है सिलेंडर के थ्रू जी, और अपने इसमें आग जलती है तो हीट बन जाती है। अच्छा अच्छा, टेम्परेचर मीटर को देखते रहते हैं अपने जी, ये 90-94 तक हो जा, 80 से नीचे नहीं आ गई। अच्छा हाँ, ये भी जरूरी है, 90-95 जरूरी है, 90 से कम तो होने नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और अगर दाने की बात करें, पानी की बात करें, वो कैसे मैनेज करना पड़ता है? बस ये पानी का डिब्बा है छोटा वाला, ये नीचे रखना पड़ता जी, जैसे जैसे बच्चा भी छोटा बच्चा आया है तो नीचे रखना पड़ेगा, इसे नीचे पहले हम कागज बिछाते हैं। अच्छा, कागज बिछाने के बाद इसे जो है बच्चे को उतारते हैं, ये दाने का डिब्बा नीचे रखते हैं, कुछ दाने पर कागज बिखेरते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे को इसे जो है चलाना पड़ता पूरी रात। अच्छा, जिससे बच्चा चढ़े ना, निवास बनी रहे, पानी पी रहे, उसके बाद जो है ये पानी लगा रहता, दवाई का लगा देते हैं, पहला पानी गुड़ का लगा देते हैं तो इसमें जो है पानी पीता बच्चा, ठीक है, 2-4 घंटे में खत्म हो जाता। अगले दिन जो है ये पानी लगाने के बाद अगले दिन इसका अखबार निकाल दे, गंदा हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये छिलके पर आ जाता बच्चा, ठीक है। अब ये कितने दिन का है बच्चा? आज ये बच्चा हमारा जो है 2 दिन का हो गया। अच्छा, 2 दिन का हो गया, तो एक दिन बाद ही मतलब कागज हटा देना है? अगले दिन 24 घंटे में हटा देते हैं, 48 में हटा देते, हम जाते हैं 24 घंटे में हटा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी दवाई की, तो दवाई कब इसको दी जाती है, कितने दिन बाद? बस दवाई इसके लिए पहला पानी जो है गुड़का लग जाता है इसका, और इसकी दवाई फिर अगले दिन से शुरू हो जाती है। अच्छा, तो पहले कौन सी, अगले दिन से कौन सी दवाई शुरू होगी? जैसे कि मान लो एंटीबायोटिक लगाना है कोई भी बच्चे को, और कोई जो है कैल्शियम की दवाई लगानी है, जैसे बच्चे में जान पड़ जाए, बस ये दवाई चलती है। एक वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, गुम्बारू? असल में वो तो वैक्सीन आती है उसकी, जब बीमारी बच्चा आदमी बढ़ जाती है तो वो बीमारी आती है 15 दिन में। अच्छा, तो 15 दिन वैक्सीन होती है, 14 दिन में, 15 दिन में, 13 दिन पर कर देते हैं, तो गम्बारू की वैक्सीन होती है, ठीक है। अच्छा, एक वैक्सीन होती है शुरू में ही, एक 21 दिन पर होती है जी, पुरानी खेत की बीमारी होती है उसकी होती है वो। हाँ, लेकिन वह ज्यादातर होती है ना, कभी कहीं कहीं फर्म होती है जी, हमारे यहाँ तक किसी में नहीं हुई वैसे। गम्बारू तो आई है जी, गम्बारू तो आई है, लेकिन इसकी वैक्सीन वैक्सीन दवाई कर देते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि उसको जो है दाना खिलाता रहे, उठाता रहे जी, बाकी दवाई पर ज्यादा तवज्जो ना देवे। अच्छा, जैसे गुड़ पिलाया बच्चे को, कैल्शियम खिलाओ, ताकत दो, जैसे खाता पीता रहा बच्चा, ठीक है। तो अगर 3-4 दिन उन्होंने बच्चे ने संभाल लिया तो गंबार उम्बार कुछ नहीं, बस कुछ निकल जाएगा। अच्छा, अभी जैसे आपने तो बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है चारों तरफ, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से केयर भी कर रहे हैं, इसमें परेशानी क्या क्या आ जाती है? अगर मतलब कहाँ किसान ऐसी लूज पॉइंट छोड़ देता है कि जिससे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं छोटे बच्चे में? असल में छोटे बच्चे को आदमी समझता नहीं है, ये समझता है कि छोटा बच्चा है ऐसे ही है, पानी नहीं पी रहा। अब जैसे कि मान लो ये पानी का बर्तन है हमारा, ये जो है
अच्छी तरह से साफ होना चाहिए दोनों टाइम। जी बिल्कुल, जब भी इसमें पानी लगेगा ये साफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे दाने का बर्तन है हमारा ये जी, अब इसमें बच्चे चढ़ जाते हैं, गंदगी करते हैं, कूड़ा कबाड़ धुल जाता है, आप वेट करते हैं। अच्छा, आदमी तवज्जो देता नहीं, छोटा बच्चा है जी, तो इसे जो है सबसे मेन चीज है छोटे बच्चे का ध्यान रखना। एक तो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और दाने में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नीचे गीला नहीं होना चाहिए जी। तो ये 8-10 दिन छोटे बच्चे का बहुत ही ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा, बाद में लापरवाही करते हैं जी कि बच्चा पड़ा है, पड़ गया, पानी बिखर गया, बच्चा बढ़ते जा रहा है पानी में, वो तो इसका सब ध्यान रखना पड़ता है। ये बीमारी का मेन कारण जो होता है इसका गंदगी होती है। अच्छा, तो भाईजान जैसे आपने 4000 बच्चे इस टाइम पे रखे हुए हैं जी, तो ये लगभग कितना एरिया है आपका पूरे फार्म का? ये हमने 900 स्क्वायर फीट में उतारे थे 4000 बच्चे। अच्छा जी, अब जैसे जैसे जगह बढ़ती जाएगी, जाड़े का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, जैसे कि 150 फीट बढ़ा दिया जी, किसी दिन 300 फीट बढ़ा दिया जी, तो हिसाब से है। तो भाई उतारने वाले 200 फीट में भी उतार लेते हैं बच्चे, 600-700 फीट में, लेकिन हम नहीं उतारते क्योंकि बच्चे अगले दिन बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, हम इसमें जो है 5 दिन रखते हैं। तो भाईजान आपके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वो बढ़िया है, या अगर हम खुद अपना बच्चा डालें वो ज़्यादा बढ़िया रहता है? असल में ज़्यादा बेहतर तो रहता है अगर आदमी के पास पैसा है तो अपना ही डालने में जी, क्योंकि नफा नुकसान अपना होता है। कंपनी जो है अपने खर्चा कुछ देती नहीं है, सब कुछ किसान का ही काटती है जी, तो बेहतर तो यह है अपना डालने में। और जो गरीब किसान है जैसे हम ही है मान लो, तो ज्यादातर यह है कि कंपनी का डाल लेते हैं, तो अपना घाटा नफा करना रहता है, जो कुछ आना मजदूरी आनी आती है। अच्छा, क्योंकि कंपनी मजदूरी देती है जी। अच्छा, जितना बड़ा फार्म है उतनी बड़ी मजदूरी हो जाती है, आदमी फालतू लग जाए। बिल्कुल, जैसे कि मान लो 4000 बच्चों का फार्म, हमारे 60-70 हजार रुपए होंगे, तो मान लो मजदूर हो गए हमारे पास जी, देख लगा लो, मैं बेटे को बुला लूँ, अगर रखो जाऊँ तो 2 मजदूर हो गए। बिल्कुल, अब 2 मजदूरों का मान लो 2 महीने में एक लाट निकलता है कंपनी का, तो 30,000 तो उनके चले गए। बिल्कुल, 10,000 रुपये खर्चा हो गया, तब बताए कितने, 20-22 हजार रुपये जी। तो किसान आदमी अगर मजदूरी करना चाहे तो अपना ही काम कर रहा है, कंपनी का बच्चा डाल ले, अपना काम भी करता रहे, मजदूरी की मजदूरी निकलती रहे। तो भाईजान आप जो बच्चा लेके आए थे एक दिन का, वो कितने रुपये का लेके आए थे? ये बच्चा जो है असल में रेट घटते बढ़ते रहते हैं, फिलहाल जो बच्चा आया हमारा 22 रुपये का आया था जी। अब अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग कितने दिन तक आपको ये पालना है, कितना दाना खा जाएगा और लमसम कितने तक का बिक जाएगा? असल में कंपनी का जब हम पालते थे तो कंपनी का ये पता नहीं 40 दिन में उठा गए, 45 दिन में उठा गए, लेकिन अब जो है हम बहुत बढ़िया कंपनी का दाना लेकर आए हैं, बढ़िया कोप का बच्चा लेकर आए हैं जी, तो हमें उम्मीद ये है कि हमारा बच्चा 33 दिन में 34 दिन में 2 किलो के आसपास पहुँच जाएगा। अच्छा, तो मार्केट का क्या रेट, पार कर जाएगा। मंडी का क्या रेट चल रहा है? अच्छा, अब रहेगा मंडी का रेट, आज का जो टाइम मंडी का चल रहा है रेट, इस रेट में तो सही है मंडी। अच्छा, इसमें तो हमें घाटा नहीं रहा क्योंकि हमारा बच्चा जो है ये 75 रुपये तक तैयार हो जाएगा जी। 75 तो अभी क्या रेट चल रहा है? अब इस टाइम 90-95 की मंडी चल रही है। अच्छा, इस टाइम पे। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि हमने डाला इस हिसाब से, क्योंकि इस मौसम में कोई बच्चा डालता नहीं है। अच्छा, बच्चे में नुकसान ज्यादा होता है, मरता ज्यादा है, तो मंडी उठेगी ऊपर जाएगी जी। तो सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं उनसे और आप क्या कहना चाहेंगे मुर्गी पालन के बारे में? बस मुर्गी पालन ये है जी, बहुत बढ़िया बिजनेस है ये जी। और किसान भाई अगर नए आदमी जुड़े हैं तो दिसंबर और जनवरी में इस काम को ना करें, और गर्मी में मई जून में ना करें। अच्छा, क्योंकि नए आदमी से मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि सीखने में को पूरी उम्र लग जाती है सीखने में जी, और आदमी सीख नहीं पाता, तो ऐसे मौसम में काम शुरू करें जैसे कि ना सर्दी हो ना गर्मी हो, तो इतना जब गर्मी आएगी तो उसका तजर्बा हो जाएगा कैसे बचाना, सर्दी आएगी तो उसका तजर्बा हो जाएगा कैसे बचाना जी। अच्छा, बाकी करते करते सर सीख ही जाए कि अब आजकल ऐसा है ना, किसी भी फोन करके मालूम कर लो आपस में कि भैया हमें क्या करना है, बच्चे में ये हो रही है वो हो रही है, तो कॉन्टेक्ट हो जाए ऐसे आपस में, कोई दिक्कत ना आए, बढ़े जाइए। तो फुरकान भाई आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।